अरे जाने तो दो, ऐसा कैसे? अच्छा अभी बात करते हैं, अभी तो जाने दो, नहीं मानोगी क्या? हाँ प्यार से समझा रही हूँ, मान जाओ, जाने दो। एक सेकेंड, अड़ रही थी, अड़ रही थी, सर चढ़ रही थी, अड़ रही थी, सर चढ़ रही थी, पास आ रही थी, मुझे सिखा रही थी, बता रही थी, मुझे सिखा रही थी, बता रही थी, ऐसे ही न चली जाना, ऐसे ही न चली जाना, थोड़ा तो नखरा दिखाना, टाइम नहीं है ऐसे बताना, दो चार बार बुलाएंगे तो फिर तुम धीरे से मान जाना, फिर तुम धीरे से मान जाना, पर हाँ ये जरूर बताना, टाइम बिल्कुल नहीं है, फिर भी आ रही हूँ, तुम बुला रहे हो तो बात तुम्हारी टाल नहीं पा रही हूँ, तुम बुला रहे हो तो बात तुम्हारी टाल नहीं पा रही हूँ, पर हाँ अकेले तो ना आ पाएंगे, अकेले तो ना आ पाएंगे, साथ में, साथ में असिस्टेंट और बाउंसर जरूर लाएंगे, अकेले तो ना आ पाएंगे, साथ में असिस्टेंट और बाउंसर जरूर लाएंगे। हाँ एक बात और, आप बताएंगे कि एडवांस आप कितना जमा कराएंगे, बताइएगा जरूर। मुझे सिखा रही थी बार बार, मुझ पर अपना जादू चला रही थी, ये आज की नहीं थी बात, ये तो न जाने कब से जादू चलाने की, काबू किए जाने की मुझ पर कोशिश वो किए जा रही थी, बता रही थी। देखो सिमर, जिन्होंने भी बात मेरी है मानी, उन्होंने बनाई है बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी कारें और बड़े आलीशान से बंगले, तुम भी बात मेरी मानो, यूं ही बातों में ना आ जाया करो, थोड़ा तो नखरा दिखाया करो। ना समझती, जानती नहीं थी उसकी बार बार बातों से पककर, उसकी बार बार बेकार की बातों से पककर मैंने उसे साइड बिठाया, सामने आईना लगाया और उसे बताया, यहां आईने के सामने बैठ जाओ, एथे आईने दे कोल बैठ जाओ, हुन मेरे कोल तू आईना, मैनू तो समझाईना। समझाया मैंने उसे, लेकिन कहाँ मान पा रही थी, वो तो उड़ती चली जा रही थी, वो तो उड़ती चली जा रही थी, कितना भी आप उसे समझाओ, वो अपनी जगह कहीं ना कहीं बना ही लेती है, कभी हरकतों में, कभी सोच में, घर अपना वो सजा ही लेती है, लेकिन बात ये है कि अगर वो सोच में अपना घर बना लेती है, एक बार अगर वो आ जाती है सोच में अपना घर वो बना जाती है, तो मजाल है कि किसी और को वो वहाँ आने दे और अपनी जगह बनाने दे। हाँ क्या है वैसे, वो बताएगा कोई? वही जिसके नाम में है गो, लेकिन आई चली जाती है, उसे ना कोई उम्र का हिसाब, ना उसे कोई दुनियादारी का हिसाब, कि दुनियादारी ही वही है। क्या है वो ईगो, कहीं भी चली आती है, कहीं भी अपना घर बना लेती है ना, एक क्या कहते हैं उसको, एक छोटी सी ऑडियो सुनाती हूँ,
उसमें भी आप देखना कैसे उसने अपनी जगह बनाई हुई है, उसका कोई कहते हैं ना उसको काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक बार आ जाए तो बस एकदम पसर जाए। तो एक ऑडियो सुने। हाँ भी पुत्र, की कितना सारा दिन? कुछ नहीं, बस वो दादी सुबह सुबह बाहर गई थी, फिर वो आई। तुसी ले गई सी दादी नू? नहीं, वो अपने आप गई थी। अच्छा, कितनी देर बाद वापस आ गई सी? नहीं, वो आते हुए तो वो शर्मा अंकल है ना जो, उन वो शायद अपनी गाड़ी से छोड़ गए। क्यों अंकल क्यों झटके गए? माँ कितने हो? माँ माँ तनु पता नहीं लगता कि बेइज्जती करवानी होंगी तुसी साड़ी हर वेले? जे तुसी जाना सी बाहर बंटी नू कह दें जां जस्सी नू कह दें, जे जाना इन्ना ही जरूरी सी। पुत तुसी सारे बिजी सीगे, दवाई लियानी सी तो मैं सोचा मैं आप ही चली जानी हाँ। आ रही सीगी तो उस शर्मा जी दे बेटे ने देख लिया तो उन्होंने कहा आओ माता जी बैठ जाओ, मैं भी घर ही जा रहा तो मैं बैठ गई। हाँ फिर जे जाना सी घट्टो घट दस तो दें, असी लै जाते तो साड़ी बेइज्जती करा के रखती। लोग तो यही समझणगे ना कि बजुर्गों की केयर नहीं करते, अगे तो ना करें उवें, पहले ही बड़ी बेइज्जती करा के रखती साड़ी। ईगो है ना, उससे थोड़े ना पता है कि कहाँ आना है कहाँ जाना है, उससे तो बस हल्का सा आप हाथ उंगली पकड़ाई और उसने हाथ पकड़ जाना है। ईगो, अहंकार भी कहते होंगे शायद, बट आजकल के जमाने के हिसाब से ज्यादा एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो ईगो ही लगता है। जाती नहीं है, आती है, और आ जाए तो बस पसर जाती है, कहीं भी कोई उम्र बात बात में छोटी छोटी बात में वो चली आती है। ईगो, तो फिर ईगो की हम बात करेंगे। कभी आपका उससे हुआ सामना, आमना सामना, या फिर उसने अपनी जगह कहीं अनजाने में साथ बना ली? बना लेती है, यहाँ भी अड़ रही थी, जाना नहीं सिमर, ऐसे थोड़ी ना होता है। आराम से चले जाओ, वक्त पर चले जाओ, किसी का वक्त पे ना जाना, वो उसकी ईगो को बढ़ाना है, ईगो दिखाना कि देखो स्टाइल है ना, ऐसे कैसे टाइम पे चले जाएंगे जब तक इंतज़ार ना कराएंगे है? वहाँ भी ईगो है। और फिर उसके बाद अगर माँ बाहर गई, किसी ने ड्रॉप कर दिया, वो भी ईगो है कि देखो हमारी बेइज्जती हो गई। बात बात में बेइज्जती हो जाती है, ईगो जहाँ बैठ जाती है, कोई बात हो ना हो तो भी बेइज्जती हो जाती है। मान लेते हैं हम अपने थॉट में, मान लेते हैं कि हर बात जो नॉर्मल से नॉर्मल बात भी है वो हर बात ईगो से जुड़ी हुई है, छोटी छोटी जगह पर। ब्याह शादियों में तो वैसे ही मान लेते हैं ना। आजकल ईगो ने हर जगह अपना घर बना रखा है। आगे थोड़ा सा और भी दिखाएंगे हम आपको कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ईगो आती है, बैठ जाती है, और फिर हर बात ईगो में लिपट जाती है। हर बात, नॉर्मल से नॉर्मल बात, कॉमन से कॉमन बात, हर जगह ईगो आगे अड़ जाती है, हर जगह। ईगो के बड़े सारे रूप हैं, एक रूप हमने आपको ऑडियो में दिखाया, तो फिर एक रूप मुझे आपको वीडियो में भी दिखाना है। और वीडियो में दिखाने के लिए तो आपको पता है कि पहले मुझे अपनी मैजिक वाली स्क्रीन को यहाँ पर बुलाना है। तो फिर स्क्रीन पे भी ईगो आ गई है शायद। तो फिर जरा गौर से, परा होला परा हो जाता। बाबा टुटिया जा स्कूटर नू पासे भी कर ला, सरी बया लोकां दा बस यार।
ਮਾਮਾ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਲੋ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਮੈਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਖਰਜਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਇੱਥੇ ਖਰਜਾਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਓਏ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਓਏ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਓਏ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਓ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਖਰਜਾਨਾ ਭਰੋ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਓ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ 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 ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਾ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰੂਗਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓ ਨਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਪਰ ਓ ਯਾਰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਓ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਆ ਰੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੱਗੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਰੋਕ ਜਾ ਲੈ 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 ਓ ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਓ ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈਲੋ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਰਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੜਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਫੋਨ ਮੜਾ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੋਤਾ ਰਹਤਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਓ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ ਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲੂੰ ਭਾਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ लड़ाई तो असल ऐसे लड़नी है तो फिर ये लड़ो पहले हम स्क्रीन को वापस भेजें तो फिर कैसा था ये वाला ईगो का रूप ये तो आपने बहुत देखा होगा कभी वास्ता भी पड़ा होगा लेकिन क्या है ना जब ईगो हो तो उसे दूर कैसे करना है जैसी हो वैसा ही उसे दूर करना है लड़ो तो ढंग से तो लड़ो क्यों फोका लड़ रहे हो ईगो को मौका भी क्यों दे रहे हो किस बात की लड़ाई है पता नहीं ईगो के अलग अलग रूप रंग हाँ और उसकी एक फितरत ये कि वो हर किसी को अपने रंग में रंगना चाहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सिचुएशन है क्या गलत है क्या सही है बस ईगो है वही सही है सबसे आई एम ऑलवेज राइट वो वाला कहते हैं कि ईगो के साथ बंधी हुई बात चली आती है ईगो ने हमेशा कहते हैं जो ड्रेसअप होती है ईगो वो आई एम ऑलवेज राइट वाली टी शर्ट पहन करके ड्रेसअप होती है वो ईगो तो फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब ईगो आपके यहाँ चली आई ज़रा बताइएगा आपने वो कैसे समझाई और सिचुएशन कैसे संभाली ज़रा ये भी शेयर कीजिएगा लेकिन ये भी बताइएगा कि ये ईगो का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है कि ये आया ना करे दस्तक दे दरवाज़ा खटखटाए नॉक करे लेकिन कम से कम हम उसे डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा करके वापस भेज दें क्या कभी ऐसा हो सकता है इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है क्या इसके लिए शायद शायद मुझे क्या पता क्या किया जाए मेरे यहाँ तो खुद ही वो आई हुई है मैं कैसे बताऊंगी कि क्या किया जा सकता है आप बताइए ना क्या किया जा सकता है फिर जब आप बताएंगे
तो उसके बाद सोचूंगी कि हाँ ये किया जा सकता है, ऐसे इस ईगो को बाहर बिठाया जा सकता है, वापस भेजा जा सकता है और कमरे में बंद किया जा सकता है, या फिर यूं ही जाने दो, है ना, ऐसे कह करके उसे इम्पोर्टेंस ना दी जाए। ईगो है ना, अगर आप हल्की सी भी उसे इम्पोर्टेंस देंगे तो बस उसे लगेगा कि मैं ही यहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ, मुझे ही सबसे पहले पानी पूछा जाए, मुझे ही सबसे पहले चाय पूछी जाए, चाहे हम गए गुरुद्वारे के लंगर में हों, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी हमें ये लगता है कि अरे मुझे कैसे नहीं पूछा, अरे मुझे कैसे नहीं बताया। ईगो के दो रूप मैंने आपको एक ऑडियो में दिखाया और एक मैंने वीडियो में दिखाया। कोशिश की है कि थोड़ा सा जो अलग के छोटे 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 जो ईगो के रूप होते हैं, एक दो अगर हम दिखा सकें या फिर कुछ सुना सकें। तो एक और रूप है ईगो का, वो हम सुनते हैं थोड़ा। मामा। हाँ पुत्र, की होया? ओ रोहन दा साइकिल लेके मैं चलाया सी ना, तो फिर की हो गया? वो टूट गया थोड़ा सा। कोई गल नहीं बेटा, उन्होंने पूछ ले तो है, ले आए आप ठीक करा के दे देंगे बेटा, इस तरह चंगा नहीं लगता था। ठीक है, कोई गल नहीं। हाँ भाई, की होया? वो पापा, मैं रोहन का साइकिल चला रहा था तो टूट गया। वो तू रोहन का साइकिल क्यों ले गया सी? ना तेरे को अपना नहीं हैगा, एवें लोगों दी चीजा मंगते रहने हो। ओए आपा घटा किसी नालों, रब दा दिता सारा कुछ अपने कोले, बेइज्जती करा के रखती। क्या हो गया, दोस्त लोग आपस में करते ही है ना, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तो दोस्त लोग करते ही है, आपस में चीजें शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेते हैं, वो लोगों को लगू कि इन्हां कोले कोई चीज ही है नहीं, आपां नूं घाटा किस चीज का, एवें बेइज्जती करा के रखती। हम खुद में तो ईगो से हम कहते हैं कि घिरे हुए हैं ही हैं, और ईगो के बड़े बड़े थान हमने अपने ऊपर लपेट रखे हैं, हम बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। बच्चों की जो खेलने वाली चीज़ें हैं, जो उनका एक दोस्ती वाला हिस्सा है, जो शेयर दोस्ती का है, उसको भी हम अपनी ईगो से ख़त्म करना चाहते हैं। छोटा सा पार्ट है ये, कॉमन बात है कि हम इतनी सी बात को भी ईगो बना लेते हैं एकदम से। तो देखो ईगो यहीं बैठी हुई है, कह रही जाना नहीं, पहले कहती थी आना नहीं, फिर कहती जाना नहीं, है ना। पता नहीं कितना कुछ कहा जा सकता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। एक्चुअल में क्या है कि ईगो, अहंकार, सॉरी ना बोलना, ये सब हम लोग अनजाने में अपनी पीढ़ियों को देते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। छोटी सी बात थी ना कि उसने अपने बच्चे के सामने अपनी माँ को ऐसे कहा कि आप को अकेले क्यों जाना था, आपने बेइज्जती करा दी। हर बात जो है वो इज्जत और बेइज्जती की थोड़े ना होती है। फिर बच्चे को तुमने साइकिल क्यों मांग ली? अरे उसे उसका बचपना तो जीने दो। उसका अपने दोस्त से साइकिल मांगना तुम्हारी कहां से इज्जत हो जाए? ये कॉमन सिचुएशंस हैं, ऐसा होता है लाइफ में, ऐसा आप देख सकते हैं आसपास। ये तो सिर्फ मैंने कहते हैं कि एक एक बूंद, उसका एक थोड़ा सा पार्ट मतलब दिखाया है कि ऐसे भी होता है। ईगो है हाँ, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठना है, जाएंगे गुरुद्वारे मंदिर मत्था टेकना। आई एम सो सॉरी, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कई बार कि हम जा मंदिर गुरुद्वारे रहे होते हैं, वहाँ पर बाहर अपने चप्पल उतारने तक में हमारी लड़ाई हो जाती है। क्यों जाना है फिर वहाँ पर भी जब लड़ना ही है, ईगो ही लेके जानी है तो,
दिखावे के लिए। पहले अपने आप को, कहा था ना मैंने कि ईगो को बिठाया, आईना साथ लगाया। आईना किस लिए लगाया? कि एक बार ईगो का रूप देखिए कि कैसा होता है। सुंदर नहीं होती बिल्कुल भी। कैसे हो जाते हैं हमारे फेस एक्सप्रेशन जब ईगो की बात करते हैं या ईगो से बात करते हैं? नॉर्मल ही नहीं रहते। कैसे हो जाते हैं? तो मतलब आप देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हो उस वक्त। आपका खुद का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके फेस पर से मुस्कुराहट चली गई। हम इंसान हैं और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमसे ज्यादा बेटर जो कहते हैं कि बात निभाने का और प्यार दिखाने का रूप आप कई बार बहुत सारे एनिमल्स में भी देख सकते हैं, लेकिन हम उनको भी देख करके अपने अंदर जगते नहीं हैं बिल्कुल भी। हम आजकल, मैं कल दिखाऊंगी आपको, हम कैसे कैसे पिक्चर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। कोई लाइक एनिमल किसी को प्यार से, मतलब किसी बच्चे को हक किए हुए है, ऐसे कितनी सारी हम पिक्चर्स देखते हैं और हमें अच्छी लगती है। हम अपने फेसबुक पे भी डाल लेते हैं, हम दूसरों से व्हाट्सएप पे भी शेयर करते रहते हैं। हमें उनका वो रूप अच्छा लगता है तो फिर हम अपने आप में ऐसे कैसे हो जाते हैं? लेक्चर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम आसपास की अपनी चीजों को कई बार जाने दो में जाने देते हैं। जाने नहीं देना है। क्यों जाने देना? जो एक्चुअल चीजें जाने देनी चाहिए वो आगे बतानी है कि इन चीजों को जाने दिया जाना चाहिए, उनको आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे अंदर दिखाना ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिंदगी फुरान के साथ एक बार जुड़ जाइए, थोड़ी सी दिल की बात अपनी हमारे साथ शेयर कर चाहिए और बस जहाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखे तो हालात जैसे हों वैसे वैसे नॉक करते चाहिए, ताकि आगे आने वालों के लिए ये जो जिंदगी है एकदम फुल ऑन हो।